वेरी गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई होप एवरी वन इज़ फाइन. थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग मी, फॉर रेफरिंग माई चैनल टू अदर्स. आई हैव सीन नंबर ऑफ पीपल्स हैव गॉन थ्रू माई लास्ट वीडियो एंड बहुत सारे लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया. अंकिता प्रिया सीज माई नीस एंड सी हैज़ हेल्प मी अलॉट. अंकिता थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत लोगों को रेफर किया, स्पेशल थैंक टू यू. और मैं सारे व्यूअर्स को जो मेरे साथ अभी हैं और जो जुड़ेंगे, मैं सबका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ. और चलते हैं अपने सेशन की तरफ. अभ्यास ये चैनल है और एक टैगलाइन है, अभ्यास अब जरूरी है. तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम आई शुड स्टार्ट माई सेशन. तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस सेशन के. मैं देखिए, आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कुछ कंप्यूटर्स हैं, एक कंप्यूटर है, बल्कि एक लैपटॉप है, और मैं सामने बैठा हूँ. कितनी कब उसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे. चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले मैं ये आपको बताऊँगा कि कंप्यूटर क्या होता है. व्हाट इज ए कंप्यूटर? मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग जानते हैं. एक और बात, इससे पहले कि मैं कंप्यूटर क्या है इस पर डिस्कस करूँ, एक छोटा सा बात जो बहुत महत्वपूर्ण है आपको बताना चाहूँगा कि जब मैंने कंप्यूटर की पढ़ाई स्टार्ट की थी, NIIT में मैं पढ़ा था, तो उस समय हम जब क्लास करते थे तो कंप्यूटर उस समय, उस ज़माने में बिल्कुल कहीं दिखता नहीं था, सिर्फ अपने इंस्टीट्यूशन में ही दिखता था और कहीं रियल लाइफ में बहुत रेयर दिखता था. मतलब वो बहुत ही नया चीज़ था उस ज़माने में. तो जब पढ़ाई होती थी, जब कुछ समझाया जाता था, तो हम उसे लिंक नहीं कर पाते थे, उस थ्योरी को हम कनेक्ट नहीं कर पाते थे. मैं कम से कम नहीं कर पाता था. उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि एक तो नया चीज़ था कंप्यूटर, उसको रिलेट करना बहुत टफ था. लेकिन आपके साथ एक अच्छी बात यह है कि आप मोबाइल के इस ज़माने में रह रहे हैं, तो मोबाइल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी. तो आप उस स्थिति में नहीं हैं जिस स्थिति में हम हुआ करते थे, तो दैट इज़ अ गुड थिंग. तो लेट्स स्टार्ट. कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. इफ़ आई से इलेक्ट्रॉनिक का सिंपल मतलब आप ऐसे समझिए, बहुत साइंटिफिक होने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना जानिए कि कुछ ऐसे मशीन्स या कुछ डिवाइसेस जो रियल वर्ल्ड में आप देखते हैं, जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लोज को कंट्रोल करता है और एक पर्टिकुलर या वैरायटी ऑफ फंक्शंस को वो परफॉर्म करता है. यानी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इस दुनिया में हैं और कंप्यूटर भी उनमें से एक है. कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. तो आई होप कि आप प्लीज़ नोट करें और किए होंगे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. ओके, दुनिया में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं, वी विल कम टू दैट ऑल्सो, लेकिन आप अभी जानिए कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन. दूसरी बात, कंप्यूटर में ये खासियत है या कंप्यूटर में ये कैपेबिलिटी है, ये क्षमता है कि वो मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है. दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और कंप्यूटर मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में सक्षम होता है. अब आते हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है. मैथमेटिकल ऑपरेशंस वैसे ऑपरेशंस को कहते हैं जो मैथ से जुड़ा होता है, जो मैथमेटिकल होता है. यू कैन रेफर एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एनी मैथमेटिकल एक्टिविटीज, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन, मल्टीप्लिकेशन, या फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखिए, उसको आप कंप्यूटर को दे दीजिए, कंप्यूटर उसको सॉल्व करे, ये उसमें कैपेबिलिटी होती है. तो ये बहुत आसान है समझना कि कंप्यूटर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, इसे भी आप नोट कर लीजिए.
फिर मैंने जैसा कहा कि कंप्यूटर कैन ऑल्सो परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशंस वैसे ऑपरेशंस को कहते हैं जहां कंप्यूटर कुछ इवैल्यूएशन का काम करता है, कुछ टेस्ट करता है। क्या टेस्ट करता है, कैसे करता है, वी विल नो दैट, आई विल टेल यू। बट आप जानिए कि कंप्यूटर अगर लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है तो वहाँ पर वो कुछ टेस्ट कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या ये अल्फ़ाबेट ए है या फिर बी है या फिर सी है या फिर डी है, या ये नंबर एक है, ये नंबर दो है, ये नंबर तीन है। ये जांचने की काम जब कंप्यूटर करता है, कंप्यूटर जब ये काम खुद से कर रहा होता है कि क्या ये कंडीशन है या ये कंडीशन है या ये कंडीशन, ये जो जांचने की प्रक्रिया है इसे हम लॉजिकल ऑपरेशन कहते हैं। यानी कंप्यूटर मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, इसे आप प्लीज़ प्लीज़ नोट डाउन करके रख लें। मैंने पहले भी कहा था कि जो लोग बहुत जानते हैं कंप्यूटर, बहुत अच्छी बात है, जो लोग इससे यूज्ड टू हैं, लेकिन मेरे लिए बेंचमार्क वैसे लोग हैं जो कम या बहुत कम या फिर कुछ नहीं जानते। उस वैसे लोगों को अगर मैं सेटिस्फाई कर पा रहा हूँ या उनके लेवल को देखते हुए मैं ये बहुत बेसिक बातें बता रहा हूँ, तो काइंडली आप इस चीज़ को कंसीडर करिए। ओके, सो अभी तक मैंने कहा कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग मैथमेटिकल एज वेल एज लॉजिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस बता दिए मैंने, लॉजिकल ऑपरेशंस बता दिए। अब हम चलते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं दुनिया में। हाउ कंप्यूटर इज डिफरेंट, हाउ कंप्यूटर इज अ डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फ्रॉम अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज अ म्यूजिक सिस्टम, दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इफ देयर इज अ टेलीविजन, दैट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इफ देयर इज अ camera, that is also an electronic device. There is a washing machine, that is also an electronic device. बाकी चीज़ों को इतना स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम उसको खरीदते हैं और उसको यूज़ करते हैं, दैट्स इट। वाई कंप्यूटर नीड्स लॉट ऑफ स्टडी, वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड द होल कंप्यूटर साइंस, ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। The most important thing is what? Computer is a kind of electronic device or electronic machine which is capable of performing variety of tasks. Computer तरह तरह के काम को perform करता है। एक simple example देता हूँ, अगर आपके घर में television है, the moment you start your television set, it start showing you whatever is being transmitted. जो transmit हो रहा है, जो telecast हो रहा है, वो दिखाने का काम करने लगता है, बस, that's it. If you start a music system, you start playing the music, that's it. लेकिन computer, चूंकि तरह तरह के काम करता है, बाकी electronic machine जो है, वो dedicated होते हैं एक काम को करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक काम वो करता है। आप ध्यान दीजिए और recall करिए, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। बाकी जितने भी devices हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वो एक काम के लिए डेडिकेटेड होते हैं, लेकिन कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो तरह तरह के काम करता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको बताना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि आपको मोबाइल मदद करेगा कंप्यूटर के साइंस को समझने के लिए, इसलिए भी मैंने कहा था, उसको फिर आप थोड़ा रेफर करिए कि मोबाइल जैसे चीज़ें कंप्यूटर के साथ जुड़ सकती हैं, मोबाइल जैसे फंक्शन कंप्यूटर में, मोबाइल जैसे बहुत सारे डिवाइसेस कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकते हैं। कंप्यूटर में इतना काबिलियत है, यानी कंप्यूटर वैरायटी ऑफ टास्क को परफॉर्म करता है, वैरायटी ऑफ कंपोनेंट्स को वो सपोर्ट करता है, वैरायटी ऑफ फील्ड्स में इसीलिए कंप्यूटर यूज होता है। आई होप मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं। सो हाउ कंप्यूटर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर डिवाइसेस, बिकॉज कंप्यूटर इज हैविंग कैपेबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग वैरायटी ऑफ टास्क, वैरायटी ऑफ टास्क। आपने सुना होगा कंप्यूटर कितने सारे फील्ड में यूज़ हो रहे हैं,
दुनिया के किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, किसी भी प्रोफेशन को ले लीजिए, आप किसी भी फील्ड को ले लीजिए, आप यू विल फाइंड कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड एवरीवेयर, चाहे वो रेलवे रिजर्वेशन हो, चाहे वो एयरलाइंस रिजर्वेशन हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री का एनिमेशन का काम हो। बहुत सारे फिल्में 90% एनिमेटेड फिल्में बनती है कंप्यूटर के सपोर्ट से। मेडिकल फील्ड में चले जाइए आप, जितने भी टेस्टिंग के इक्विपमेंट हैं, डिजीजेस जो टेस्ट किए जाते हैं, वो सब कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं। बड़े बड़े प्लांट्स जो चलते हैं, बड़े बड़े कन्वेयर बेल्ट्स, प्लांट के अंदर जो मशीन्स कंट्रोल किए जाते हैं, वो कंप्यूटर से कंट्रोल होते हैं। तो आप सोचिए कि एक कंप्यूटर अलग अलग फील्ड में काम कर रहा है, उन सब की बातों को ये समझ रहा है, ये इसकी क्षमता है जो कि बाकी इलेक्ट्रॉनिक मशीन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में नहीं है। ओके, तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। अगेन आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको जहाँ डाउट लगे आप मुझसे इंटरेक्ट जरूर करिएगा, आप कमेंट में भी अपना क्वेश्चंस डालिएगा, आई विल वेलकम योर क्वेश्चन। ओके, सिंस दिस इज़ वेरी फर्स्ट डे एंड आई हैव जस्ट स्टार्टेड दिस चैनल टुडे, मैं आज इतना ही आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा आज हम एक्सप्लेन ना करें तो अच्छा होगा, बिकॉज दिस इज़ अ डे फॉर सेलिब्रेशन, दिस इज़